ये मैं तेरे को बदबخت लिखा फक बनी में सदादात उतो कट के निकाल लेंगे। इस गल नु अगर कर दिए तो अल्लाह ताला बिल्कुल साडे लई कुछ भी नहीं हो, वो कर बैठा जो कर बैठा, साडे दुआ करन दा और सदके करन दा किसे शायद कोई फायदा। यह दीन की जड़ वढ़नी होवे तो फिर यह गल समझ लो भी अल्लाह ताला ने हुण की करना कर चुका। अगर एक गल हज़रत उमर इब्ने मसूद और दूजियां दी होवे कि एक तख्ती है जिहड़ी लोहे महबूब इस बात है जिन्हों लांदा उन्होंने मिटाउंदा वो आ कागजां च लिखी जिहड़ी फरिश्तियां को, वे ही एक जिवें एक हुक्म दिता है अहलकारां नूं मनसूख कर। एक वो आ जिहड़ी अल्लाह दे कोल आ उहदे अपने इलम च आ, वह किसे नूं उस गैब का पता नहीं, उन्हें नहीं बदलना, मगर वो विच ही है भी दुआ करूँगा तेरी उम्र वधा देनी है, इन्हें सदका किया तो दाह हो जाना। चनांचे रवायतों चाहता हज़रत मुजद्दद अलसानी रहमतुल्लाह अलैह भी लिखा कि एक दिन हज़रत मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम अपने साथियों के नाल जा रहे थे, बहुत लोग जमा से शादी हो रही थी, बच्ची नूं रुखसत कर रहे थे, आपने फरमाया लोग खुश हो रहा है तो बड़ी खुशी नाल अरूस नूं और दुल्हन नूं रुखसत कर रहा है, हालांकि कल नूं रोणगे यदि बच्ची की मौत जिहड़ी तय हो चुकी। लोग जिहड़े सी शागिर्द उन्होंने गल याद रखी। अगले दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और शागिर्द उत्थों दी गुजरे और पूछा भी सुनाओ कोई गल होई हो ना उत्थे, कोई रोवे ना कोई गलबात, उन्हें आख्या कुछ नहीं हो। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुसीं इजाजत देंदे जी मैं उस दुल्हन नूं मिला, उन्हें आख्या अगर कोई गल नहीं तुहाडी बच्ची। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें जाके पूछा भी बेटा इस रात कोई गल होई, उन्हें आख्या हज़रत पता नहीं तुसीं क्यों पुछदे जे सारे लोग अपने अपने कमी लगे सी, खुशी मना रहे सी, समान जिहड़ा सी ठीक ठाक कर रहे सी, मैं बैठी सी तो एक आदमी ने आके सवाल किया तो मैं अपने आप में छुपा के गई हाँ, उन्होंने जाके मैं जो दे सकती सी दिता, यह सदका मैं किया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका बिस्तर उठाया तो वो थले अजदहा सप सी जिहदे मुँह च वो सदका दिता, फरमाया इहदी मौत हो चुकी सी मगर ये सदके ने इसनू बचा लिया। तद अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम फरमाउंदे इन सदका ता तरुद्दुल बला, सदका जिहड़ा है बलावां नूं टालदा, जिहड़ियां आईयां उन्हां नूं ही दूर करदा, जिहड़ियां आउणियां हुंदियां उन्हां नूं रस्ते च रोक लैंदा, ते दुआ तो बगैर तकदीर नहीं बदलदी। होर किसे दे तुसीं आखो ना भरोसा करे ते किसे हज़रतां दी मिन्नतां कर दे फिर उह हज़रत नहीं रब दे करम नूं मोड़ सकदे, ते रब दी मिन्नत कर लो और उहनूं तुसीं कायल कर लो ते अल्लाह ताला अपने फैसले नूं तब्दील कर दिंदा है जिहड़ा फरिश्तियां नूं लिखिया हुंदा, वैल करन रोक दिंदा वी हुण इहदी उम्र जिहड़ी इहदे इजाफा कर दिओ। इह कोई गल अल्लाह दे रसूल अलैहि सलातो सलाम दे बारे च इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम फरमाउंदे वी यहूदी तुरिया जांदा सी ते आपने फरमाया इस यहूदी नूं वो लकड़ियां इकट्ठियां कर लई जंगल नूं जा रहा, फरमाया जी आ जिहड़ी ना पिछे गिच्ची इत्थे सप्प ने डंग मारना और इहने मर जाणा। समान लैके आया तो देखिया भी नहीं, उन्हें गट्ठा उठाया, आपने फरमाया गट्ठा रख, गट्ठा जिस वे रखिया तो वो सप्प जिहड़ा सी ना निकलिया और सप्प ने लकड़ी नूं मूंह पाया, बजाय इहनूं वढ़न दे लकड़ी मूंह पाई, मैं तू की कीता सी, उन्हें आख्या दो छोटियां रोटियां मैं हाथ लै लईआं, सिरे निकलिया बाहर निकलिया तो गरीब तकरिया तो मैं दोवें केक जिहड़े सी ना रोटियां छोटियां उन्हूं देतीआं। मैं उस जेड़े सदके परों सप्प जिहड़ा उन्हें हुक्म आया तू हुण इस ऊज नूं लकड़ी नूं कट ला, इहनूं माफ़ी दे। ये अकीदा जिहदे बारे च अल्लाह सूरा राज फरमाउंदा है अल्लाह जिहड़ा चाहुंदा मिटा दिंदा, जिहड़ा चाहुंदा उहनूं रहण दिंदा। वैन दा उमर किताब दफ्तर उहदे कोल आ, वह बिल्कुल अपनी हुकूमत इक़्तदार तों माज़ूल नहीं हो गया, ना उहदी ताकतां खत्म हो गई, इलम जिहड़ा मख्फी अपने कोल आ ना किसे नूं दस्या ते ना उहदी सोचण दी सानूं लोड़ है, उहदे कोल आ ते की होणा ते की नहीं होणा सब जाणदा, मगर साडियां दुआवां नाल साडियां सदकियां नाल साडी नेकियां नाल उम्र वध भी जाती है तो कट भी जाती। फिर मैं वालदैन भी जिहड़ा शख्स ना फरमानी करता दुख दिंदा खलके खुदा नूं, अल्लाह फिर फरिश्तियां नूं हुक्म दिंदा वे जी उम्र घटा भी दिओ। और इहदे लई अल्लाह दे रसूल अलैहि सलाम ने एक वाकया भी सुनाया कि इंसान जिहड़ा इहनूं निसियान एक तबी है, आदम अलैहि सलाम का किस्सा सुनाया भी तुहाडा बाप भुल गया सी तुसीं क्यों नहीं भुलना। आदम अलैहि सलातो सलाम नूं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे जामे चरंदी च कि अल्लाह ताला ने उहदी औलाद सारी विखाई, जो असी जमने सी क्यामत सारी असम्बली जिहड़ी सी ना तस्वीर सामने आ गई, तो उन्होंने एक शख्स नूं वेख्या लहू बसीस कि बहुत उहदा मत्था चमकदा सी ते नूर सी, तो पूछा कि अल्लाह ये कौन है, फरमाया हाँ तेरी औलाद चों ही नबी होण वाला बादशाह भी होना दाऊद दा नाम, ते दाऊद नाम ही बड़ा प्यारा,
दाऊद लाडले नवाते है, इस तरह जिम्मे असिया ना फलाना बड़ा लाडला तो बड़ा प्यारा, ये मान आए दा उस मान के अंदर कि बड़ा अल्लाह नू प्यारा ते लाडला नबी है दाऊद। अल्लाह ने बड़ी तारीफ बयान की, नहीं मतलब किड्डा सोहना मेरा बंदा सी, हर वक्त मेरी तरफ चुकया रहिंदा। तो आदम अलैहि सलाम ने पूछया बे अल्लाह तआला दी उम्र किन्नी, दस्या गया 60 साल है। आदम अलैहि सलाम ने पूछा मेरी किन्नी है, फरमाया 1000 साल। या अल्लाह मेरी 960 मेरी 940 कर दे, क्या जड़े 960 ते 40 इहनू होर दे दे, 100 च मेरा पुत वेख लवे। फिर मैं देता जदों साल होए पूरे 960 रिश्ते आ गए, उन्होंने आदम अलैहि सलाम तैयार हो ना फिर कहन लगे ये की गल मेरी उम्र 1000 साल। उन्होंने कहा 1000 जी दे चुका 40 बिचों दाऊद अलैहि सलाम। इन्होंने कहा नहीं मैं कोई नहीं चीज़ ना, मैंने कोई गल याद है उत्थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना से आदम फना से जरिए, आदम अलैहि सलाम भुल गए, याद ना रहा अपना वादा, औलाद ही भुलन लग। मगर अल्लाह रहीम है करीम है, वह गल कलम उद्याचों आखा चल तेरी भी 1000 आ, तो मैं 100 ही कर दी है, मेरे लिए कोई शाय मुश्किल नहीं। ऐ समझो ईमान और अकीदा है जिदे पारों तकदीर नूं हुण तुसीं बिल्कुल ही समझ लो बे रब दे हाथ है, रब नूं मनाओगे ना तो बनना कुछ नहीं, सारे दरबारों के धक्के खाओ तो चखा मारो तो कख भी नहीं बनना, तो उहदे दरवाजे ते डिग जाओ, सदका करो, दुआ करो, मिन्नत माजरा करो, तो उहदा कलम हुण वी बिल्कुल उहदे अपने हाथ, वह जो चाहे उहदे च रद्दो बदल करे और तब्दीली करे, नेकियां दा कामयाब होना जिहड़ा उहदे बारे जिहदी थली। ये तो इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सोहना लिखा, वह भी थोड़ा जहा पढ़ दी। इमाम ने पूछया कि इमाम अलैहि सलाम ये जी गल है कि इंसान की उम्र जी किन्नी है, किन्नी वास्ते लिखी है तो बदलती है या नहीं बदलती। एक पास दस्या गया कि फरिश्ता जरा उन्होंने माँ के पेट से अल्लाह तला भेजता, जदों 4 महीने गुजर जाते रूह फूकी जाती तो फरिश्ते हुक्म हुंदा वी लिख दे कि नेक है या बद है, खुशकिस्मत है, बद नसीब है, किन्नी यदि उम्र होनी है, हर चीज़ वो फरिश्ता लिख दिंदा। दूजे पासे आ बेला दे रसूल अलैहि सलाम ही फरमाउंदे बेला के दुआवां करिए तो फिर अल्लाह उम्र नूं वधा भी दिंदा तो घटा भी दिंदा, ये की किस्सा। तो इमाम फरमाउंदे ए समझो 517 सफ़ा, ये टुकड़ा भी बहुत जरूरी है, और जिल्द 8वीं मजमू फतावा शेख इस्लाम अहमद बिन तैमिया 37 जिल्दां सऊदी हुकूमत ने शाय किया। वल अजलो अजलान कि हर बंदे की जी है ना उम्र वह दो तरह की लिखी हुई है, अजलो मुतलक या अला मुरला, एक जी बिल्कुल उ होनी है, वधनी कतनी कोई नहीं, वह अल्लाह जानता, वह अपने कोल ही छुपी है, कितने नहीं लिखी उन्हें तो ना किसी को दस्या होता। वाजलो मुकैयद और एक ऐसी है जी मुकैयद है, वो शर्त आ लिखा भावें नहीं मगर अल्लाह के इलम च हैगा भी ये आ कम करूगा तो फिर इन्नी उम्र है, तो आह कम करूँ तो वध घट भी जानी। वा बिहादा यह तबैन मान कौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे शेखुल इस्लाम फरमाउंदे इस गल नूं जिहड़ा समझिया उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस फरमान की समझ आउणी है, मन सर्राऊ अई उपसता लऊ फी रिस्की, कि जिहड़ा बंदा है पसंद करदा चाहुंदा कि उहनूं रिस्क ज़्यादा मिले, वयुन साल भी असर ही और वो उम्र लंबी करती जाए, वाली असिल रहम आओ और रिश्तेदारा ना माँ बाप ना भैणा भरावान ना दूजे लोगों ना नेक सलूक करे। हुण एक पासे तो वह भी फरिश्ता लिख गया, दूजे पासे फरमाया जे चाहुंदा भी उम्र लंबी हो जाए तो रिस्क जरा ज़्यादा मिले तो फिर आ नेक कम करे। तो फरमाया यही गल है जिहड़ी इलम दे अंदर अल्लाह दे वो अजले मुतलक है, उस रद्दो बदल नहीं होना, मगर वो दसी नहीं किसी नूं। दूसरी गल जी है कि फरिश्तों दस्या या लिखिया पढ़िया वो बदल वाली शाय है, वह नेकियां करे। वैन अल्लाह अमर अल मलक एक्तबल वजलम कल वसला रहम उज्जत तू कदा वकदा। तो इमाम फरमाउंदे इस तरह ही समझ लो कि फरिश्ते जरा हुक्म हुंदा ना लिख दे दी उम्र, वो ये गल हुंदी है कि अगर इन्हें रिश्तेदारां नाल नेक सलूक किया तो फिर मैं इसकी उम्र इन्नी इन्नी होर बढ़ा देनी है। ये बोले अल्लाह नाल या ना बोले इलम चला दी। वल मलक ला आलम अयजदाद अमला, फरिश्ता नहीं जानता भी वधनी है कि नहीं वधनी, वो उन्नी लिख दिंदा जिन्ना हुक्म हुंदा, अल्लाह जानता वध जानी है कि नहीं जानी। ला किन अल्लाह यारम आयस्त किर वाल अमर,
अल्लाह ताला दे इलम च हुंदा वी जाके मामला खड़ोना किथे है, अखीर एंड की होना ये इलम च है। ये लिखे लिखाए जिहड़े सारे राफी है, नेकी कीती ते वध भी जानी है ते बुराई कीती कर भी जानी। फैजा दा ज़ालिक ला यतकदम वला यतअखर, जदों वह अजल आउंदी है जिहड़ी अल्लाह दे इलम च है, वो ना वधदी है ते ना फिर घटदी, अगे पिछे नहीं हुंदी। ए लिखी लिखाई जिहड़ी है ये कमी बेसी हुंदी है। इस मसले दे बयान दी इक जरूरत यह हुई कि दुआ का शौक पैदा होंदा, सदके करता आदमी, नेकियां करता, फिर वह हाथ पैर तोड़ के बह नहीं जाता भी हुण जो होना सी हो गया, हुण अल्लाह ने उसे की करना करवाना, तौबा तौबा ऐसी कोई गल नहीं। अल्लाह ताला यमुल्ला माशाओ युसबित वैन दो उम्मुल किताब, जिन्हों चाहता मिटा दिंदा, जिन्हों चाहता लिख दिंदा, उसकी जगह से उसके कोल दफ्तर है। और ये एक दूसरी गल की वजाहत है, क्योंकि मेरे बारे जो बहुत सारे लोग मन गए हर ग्रोह दे, तेरी आवाज़ ना 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 मुसलमान मनी जाने का कख नहीं रहना, ये जे ना मौलवियों के हाथी रहना तो बर्बादी हो जानी। बिल्कुल ये एक मसला मिल